हुए मैम, किस तरह से इंक्वायरी की गई है और एक महीने के अभियान में मैम किस तरह से कामयाबी मिली है? देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि एक महीने का 15 नवंबर से और आज डेट तक 15 दिसंबर तक एक स्पेशल अभियान अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। और इस एक महीने के स्पेशल कैंपेन के दौरान हमारे टोटल एनडीपीएस के अंदर 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं और एक्साइज एक्ट में 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें टोटल हमारे को हेरोइन जो है 151.7 ग्राम हमने सीज करी है, चरस 823.49 ग्राम्स और ओपीएम 80.96 ग्राम और पॉपी हस्क 7.24 केजी और टैबलेट्स भी मिली हैं, 940 नंबर ऑफ टैबलेट्स मिली हैं। जिन दो मुकदमों के बारे में आप बात कर रहे हैं, दो लेटेस्ट हमारे जो मुकदमे हुए हैं, एक हमारा 13 दिसंबर का ही है जिसमें कि 366 ग्राम चरस और कुछ कैश 24,210 रुपए बरामद हुए हैं। ये केस बांदला जो हमारा एरिया पड़ता है यहाँ पे सदर के थाने के एरिया में, वहां पे केस दर्ज हुआ है और इसमें एक्यूज्ड जो महेंद्र सिंह है उनके अगेंस्ट अरेस्ट करके कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मुकदमा जो है हमारा 56 ग्राम ऑफ हेरोइन पकड़ी गई थी और इसमें जो एक्यूज्ड है वो यहाँ लोकल नहीं है, वो बिहार से बिलोंग करते हैं और सिमिलरली इस केस में भी जो है अभी जांच जारी है और हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हेरोइन जो है वो हमारे यहाँ तक पहुंचाई गई है, क्या सोर्स रहा है इसका। मैम, एक महीने का जो अभियान चला इसमें टोटल कितने तस्कर इस बार गिरफ्तार हुए? इसमें एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमारे 17 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक्साइज एक्ट में जैसे मैंने बताया 6 केसेस दर्ज हुए हैं। आगे भी अभियान इस तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल, ये तो सिर्फ स्पेशल कैंपेन का मैंने आपको फिगर्स दिया है, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यूअसली एनडीपीएस जो हमारा इलीगल कंजम्पशन या ट्रेड ऑफ ड्रग्स चल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल हमारा काफी सख्ताई से हमारा अभियान जारी है और हम लोगों ने इस महीने में काफी वो लोग पकड़े हैं जो कि हमारे यहाँ के लोकल एरियाज के मेन सप्लायर्स थे।